पक्ष है तो सीधी गलत सीधा सवाल सीधा सवाल करने हैं। और जी वो बात ये है कि क्या कहा यह जा रहा है कि पीटीआई काबू में नहीं आ रही, तरीके साहब काबू में नहीं आ रही, इमरान खान साहब काबू में नहीं आ रहे, पॉपुलैरिटी पकड़ी नहीं जा रही, तो इसकी वजह से हो सकता है कि काम जो है वो आगे चला। तो आपको चीज इन लोगों ने कर दिया है जो फैसिलिटेट करती है इस केयर टेकर गवर्नमेंट को या टेक केयर गवर्नमेंट को कि वो अपने टाइम से आगे चले जाए, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। इमरान खान साहब जिस तरह काबू होने चाहिए थे या उनकी पॉपुलैरिटी को जिस तरह हैंडल किया जाना चाहिए था, वो अभी भी आप लोगों के लिए तसल्ली बख्श नहीं है। उनके तो सर्वेज भी कह रहे हैं कि मियां साहब जो है वो सबसे पॉपुलर लीडर हैं। कि मुझे लगता है कि ये सर्वे जो था ना ये पीएमएलएन के अंदर का था, उनके अंदर भी 22% लोग जो है ना इमरान खान की मकबूलियत को मानते हैं। वैसे ये आईन की धज्जियां उड़ाने का इल्जाम तो अभी थोड़ी देर पहले सेंटर मोहम्मद साहब आपके ऊपर लगा रहे थे कि आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट करने के लिए, इंतखाबात कराने के लिए जो आईन की धज्जियां उड़ा दी। नहीं मुझे आप बताएं, हमने आरटीएस बिठाया, हमने कहा बाहर की उंगली जो है वो खड़ी हो गई है। देखिए मियां साहब ही सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ओनली एंड ओनली कोई मुकद्दस गाय नहीं है कि उनके बगैर इस मुल्क का निजाम या ये मुल्क जो है चल नहीं सकता या आगे नहीं बढ़ सकता। पीटीआई इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्शन में, क्योंकि एक तो ये हारेंगे, दूसरा इमरान खान साहब किसी ऐसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है जिसमें वो खुद वजीर आजम ना बने। आप एक काम करें ना, आप सेंटर साहब आप सीधा सीधा डाउट सारे खत्म कर दें आपके जी। मेले का आप लोगों ने देखा होगा जो अपर दीर में पीटीआई का एक मतलब शेर मरवत साहब जो गए थे वहां पे, ही वो 3-4 जो पीटीआई के वर्कर्स थे उनके ऊपर गोली चली है, पुलिस ने गोली चलाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को नून लीग कंट्रोल ना कर सकी, इनका प्लान फेल होते ही अब इलेक्शन डिले होने की खबरें गर्दिश करने लगी हैं। मंसूर अली खान ने आज इलेक्शन डिले होने के हवाले से नून लीगी अफनानुल्लाह से ऐसे तल्ख सवालात किए जिनका वो कोई भी तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। इस बात पर पीटीआई के सीनेटर हुमायूं महमद ने नून लीग को लाइव शो में ऐसा बेइज्जत किया कि मज़ा आ गया। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। डॉक्टर फरहान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आपकी पार्टी कंफर्टेबल रही है इलेक्शंस को डिले करने के हवाले से, कोई रिजर्वेशंस नहीं रही हैं, 8 फरवरी की डेट अब अनाउंस हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मीडिया के अंदर इस किस्म की बातें आ रही हैं। आज 2 कॉलम्स लिखे गए जिसके अंदर ये लिखा गया कि जनाब हो सकता है ये 8 फरवरी के इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाए, आपकी पार्टी का क्या स्टांस है इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें हमने जो है वो पूरी तैयारी जनरल इलेक्शन की शुरू कर दी है, तो हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं 8 फरवरी के हिसाब से, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो 8 फरवरी की डेट है उसको ऑनर किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, और सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके ऊपर वाज़ेह तौर पे चीफ जस्टिस साहब ने अहकाम जारी कर दिए हैं। इलेक्शन का डिले करना मुल्क के अंदर सियासी बेचैनी पैदा करेगा और फिर वही मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की जगह जो है वो उसकी जो रीजंस दी जा रही हैं वो जो चाहे कोई उसके 2 पार्ट हैं एक्चुअली, एक तो ये कि इलेक्शन शायद डिले हो जाए और दूसरा पार्ट ये है कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जिस तरह काबू होने चाहिए थे या उनकी पॉपुलैरिटी को जिस तरह हैंडल किया जाना चाहिए था वो अभी भी आप लोगों के लिए तसली बख्श नहीं है। नहीं देखिए मेरे, मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, जब हमने 21 अक्टूबर का जलसा किया तो 22 अक्टूबर को जो है वो सर्वे कंडक्ट किया एक बड़े अच्छी कंपनी ने पाकिस्तान में जो पहले भी करते रहे, और उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी 30% पे थी और इमरान खान साहब की 22% पे थी, तो मेरा ही ख्याल है कि इसको जो है वो इसको रिपीट करेंगे। क्या फरमाया आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो ये जो सर्वे हुआ था 22 अक्टूबर को अभी जो है हम मियां नवाज साहब 30% पे थे पॉपुलैरिटी के, अच्छा, और 2% के ऊपर इमरान खान थे, 30% अनडिसाइडेड थी। कितने परसेंट पे इमरान खान साहब थे? सॉरी 22% पे, अच्छा, और बाकी लीडर कहाँ थे? 30% अनडिसाइडेड था। अच्छा 30% अनडिसाइडेड था, तो ये तो सर 82 हो गया। हाँ तो बाकी सारी जो जमाते थी वो, अच्छा बाकी जिन्हें रह गए वो बाकी उसमें आते, ठीक है, अदर 4-5% थे बाकी सारे। तो ये कहाँ से सर्वे करवाया सर? ये सर्वे जो है ये पब्लिश हुआ है, मैं आपको उसकी भेज दूंगा, मेरा ख्याल इप्सोस था या इप्सोस था मेरा। अच्छा इप्सोस से ये आप लोगों ने खुद करवाया था या उन्होंने खुद किया था? नहीं अपने तो नहीं कराया, ये तो इसका सर्वे का पूरा रिजल्ट पब्लिश हुआ है। अच्छा। ये सारे मैं आपको भेज भी दूंगा, अच्छा, आप देख लीजिएगा उसको। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देखें जो इलेक्शन है ना वो इसलिए करवाना जरूरी है क्योंकि मुल्क के अंदर जो है वो बगैर सियासी उसके तर्जुम बगैर पार्लियामेंटेरियंस के कानून साजी रुक जाती है, बगैर हुकूमतों के मुल्क इस तरह चल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। आपने IMF से अपनी किस्तें लेनी है, आपने आगे लोगों को बताना है कि हमने डेवलपमेंट कैसे करनी है, आपने कहीं से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, तो क्या हम ये एडहॉक बेसिस के ऊपर मुल्क को चलाएं कि जी ये एडहॉक चल रहा है, पता नहीं अभी 3 महीने हो गए, चले 3 महीने का और में, इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकते ना। ये इन्हीं हरकतों की वजह से 1970 के अंदर आपने 1000 ट्रांसफर नहीं किया और वो मुल्क टूट गया। हाँ। तो ये कह देना, क्या कहते हैं कि हम इंशाल्लाह इमरान खान साहब को मैदान में हराएंगे यकीन है, ठीक है, हम कोई नहीं ये कह रहे हैं कि जो है वो इलेक्शन डिले किसी सूरत भी होना चाहिए, हम ये समझते हैं कि 8 फरवरी की डेट बिल्कुल मुनासिब है। चलो क्लियर हो गया सर, आपने जो सर्वे शेयर कर दिया उसके बाद तो कोई बरखर में बात ही रहती। सेंटर मोहम्मद साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी सर, उनके तो सर्वे भी कह रहे हैं कि मियां साहब जो है वो सबसे पॉपुलर लीडर हैं और उनको 8 फरवरी से किसी किस्म के कोई डाउट्स नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वरना नून लीग के हवाले से प्रॉब्लम रहती थी। तो पीटीआई सर आपको कोई शक है कि 8 फरवरी को शायद इलेक्शन ना हो?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मंसूर साहब, इस तरह है कि मुझे लगता है कि ये सर्वे जो था ना, ये पीएमएलएन के अंदर का था, उनके अंदर भी 22% लोग जो है ना इमरान खान की मकबूलियत को मानते हैं, बाकी सिर्फ 30% समझते हैं कि इनके वो है। तो ये मेरे ख्याल में सर्वे था। रही बात ये, मेरे ख्याल में एक दो प्रोग्राम्स आपने बच्चों के साथ, यूथ के साथ, जो कि 60% को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने उनसे दो तीन बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन किए थे। एक आपने सवाल पूछा था, क्या 2024 का इलेक्शन आपको साफ और शफाफ नजर आता है? तो वहां पर एक यूनैनिमस आवाज मुझे सुनाई दी थी, वो था नहीं। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? आप सही कह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वहां पे, हाँ, उसके बाद फिर एक वो थे जहां पे हामिद मीर साहब भी आपके साथ थे, और आपने उनसे भी कुछ सवाल किए थे, ठीक है। देखिए, बात ये हो जाती है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। अब सवाल ये हो जाता है कि क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, इस पे तबसरा करने से पहले आपको थोड़ा सा बैक जाके देखना होगा कि क्या क्या डिसीजन मेकिंग हुई है जिसकी बेसिस पे आप ये सवाल उठा सकते हैं। मेरे लिहाज से जो बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम को इन जनरली कहते हैं, पीएमएलएन समेत, जेयूआई समेत, जो बिल इन लोगों ने पास किए हैं, ज्यादातर वो बिल, ये याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हैं, उनके आर्टिकल्स के खिलाफ जाते हैं, उनके जो आर्टिकल्स का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ है, ये उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हर वो चीज इन लोगों ने कर दिया है जो फैसिलिटेट करती है इस केयर टेकर गवर्नमेंट को या टेक केयर गवर्नमेंट को कि वो अपने टाइम से आगे चले जाए, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। इन लोगों ने प्रेसिडेंस भी कायम किया, जैसे आपने पहले कहा था कि चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब के लिहाज से, हालांकि मैं समझता हूं अता बंदयाल साहब को जब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, उनको नहीं लेना चाहिए था, लेकिन स्टिल 14 मई का जब उन्होंने कह दिया था कि इलेक्शंस होने चाहिए, तो उसमें नहीं हुए, तो प्रेसिडेंस है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो इजाफी नोट है, उसके अंदर आप देख लें, उन्होंने साफ कहा हुआ है कि 7th नवंबर ऑनवर्ड्स एवरी डे इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसमें इस वक्त, एज ऑफ टुडे, हम लोग इस वक्त किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं चल रहे। आपको भी शक है कि 8 फरवरी को इलेक्शन शायद ना हो? देखिए, आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज अगर ये हो जाते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। अब हाँ, अब लेकिन एक और चीज जो यहां तो ये सर्विस कर रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप लोगों ने दो दिन पहले का आप लोगों ने देखा होगा जो अपर दीर में पीटीआई का एक शेर मरवत साहब जो गए थे वहां पे, ही वाज वन, दे वर अबाउट 2 or 3 लीडरशिप्स ओवर देयर, ठीक है। और वहां पे आपने देखा था क्या जम्मे गफीर था, ठीक है। लेकिन डू यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर मैथ? वहां पे 3-4 जो पीटीआई के वर्कर्स थे, उनके ऊपर गोली चली है, पुलिस ने गोली चलाई है, ठीक है। उसके अलावा जो वहां के जो स्पीकर थे, मां सिवाय मेरे ख्याल में मरवत साहब के अलावा, बाकी जो नॉन लॉयर स्पीकर से, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, उनके ऊपर एंटी टेररिस्ट कोड के तहत उनके ऊपर केसेस कर दिए। अगर यही तरीका है, और रही बात ये, अच्छा, अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो जो उन्होंने बयान दिया है कि भाई यहां पे, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि 2008 में तो इससे ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, 2013 में तो इससे ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, तो व्हाई डिड दे डू इट एट दैट टाइम, व्हाई नॉट अभी? मैं जरा डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहब से भी पूछूं, डॉक्टर साहब का बड़ा तजुर्बा है। डॉक्टर साहब, आपको कोई डाउट्स लगते हैं? आपने दोनों पार्टियों की गुफ्तगू सुनी है, क्या आपकी पार्टी को भी डाउट्स हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है, शायद 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मंसूर, आपका शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, और पाकिस्तान को हर हाल में वो पटरी से उतरी जो मैशत है उसको ट्रैक पर चढ़ाने के लिए, मुल्क से मौशी और सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करने के लिए, पोलराइजेशन को कम करके, तसादम और टकराव की सियासत से निकल के इस मुल्क को जो है वो आगे चलना है, और उसकी वाहिद कुंजी जो है वो इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई है। सीधा सवाल करने है, और जी वो बात ये है कि क्या कहा यह जा रहा है कि पीटीआई काबू में नहीं आ रही, तरीके साहब काबू में नहीं आ रही, इमरान खान साहब काबू में नहीं आ रहे, पॉपुलैरिटी पकड़ी नहीं जा रही, तो इसकी वजह से हो सकता है कि काम जो है वो आगे चल रहा है। आपको लगता है कि वाकई ऐसा है, वाकई काबू में नहीं आ रही? देखिए, अब सीधा सीधा जवाब भी सुन लेना, मंसूर, सीधा सीधा जवाब। देखिए, बात यह है कि आपने कल कामुकी में हमारा जलसा देखा, एक हल्के का जलसा था। पॉपुलैरिटी का जो पैमाना होता है वो वोट से नापा जाता है, और वोट जो है वो जब तक जितनी मर्जी सपोर्ट हो, जितनी मर्जी पॉपुलैरिटी हो, जब तक वो पॉपुलैरिटी वोट में ट्रांसफॉर्म नहीं होती, उस पॉपुलैरिटी का सिर्फ वो फैन क्लब, फैन फॉलोइंग और सेलिब्रिटी और हीरोइज्म के जुमरे में आती है। जमहूरियत में किसी शख्स की पॉपुलैरिटी को नापने का पैमाना वोट है, और वोट की पर्ची है इस सिस्टम के अंदर। ये ऐड कर लें, ऐड कर लें, एक और सुहेल वड़ाइत साहब ने आज कॉलम लिखा, उसके अंदर एक और चीज भी उन्होंने लिखी कि मियां साहब भी जड़े ना वो क्लियर नहीं होंगे, उनके लिए भी जरा क्लियर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो इतनी जल्दी नहीं होंगे, तो इस वजह से भी शायद जो है वो काम लंबा हो जाए। इस पे भी आपको लगता है कि बाकी ये मामला हो सकता है? देखिए, मियां साहब ही सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ओनली एंड ओनली कोई मुकद्दस गाय नहीं है कि उनके बगैर इस मुल्क का निज़ाम या
ये मुल्क जो है चल नहीं सकता या आगे नहीं बढ़ सकता। इस मुल्क के अंदर जो है वो 22-23 करोड़ अवाम जो है उनके अंदर नामवर विजनरी कमिटेड डिवोटेड डेडिकेटेड लीडरशिप मौजूद है। मुझे ये पता है कि ये कॉलम्स जो है कहाँ से लिखे जाते हैं, कौन लिखवाता है। अच्छा। और किसकी ख्वाहिश होती है जो सीनों में होती है और कलम की जीनत बनती है। अच्छा। देखना ये किस वक्त पाकिस्तान की जरूरत क्या है। वैसे ये आईन की धज्जियां उड़ाने का इल्जाम तो अभी थोड़ी देर पहले सेंटर मोहम्मद साहब आपके ऊपर लगा रहे थे कि आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट करने के लिए, इंतखाबात कराने के लिए जो आईन की धज्जियां उड़ा दी। नहीं, मुझे आप बताएं, हमने आरटीएस बिठाया, हमने कहा अंपायर की उंगली जो है वो खड़ी हो गई है, हमने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पार्लियामेंट पे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे और पीडीपी पे हमला कर दिया। ठीक है, आईन तो देखे ना, ये मैं आपको एक और बात बताऊं, पीटीआई इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्शन में, क्योंकि एक तो ये हारेंगे, दूसरा इमरान खान साहब किसी ऐसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है जिसमें वो खुद वज़ीर-ए-आज़म ना बने। आप एक काम करें ना, आप सेंटर साहब, आप सीधा सीधा डाउट सारे खत्म कर दें। आप कहे जी मियां साहब, अगर नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने की आखिरी डेट तक भी अगर उनकी अहलियत नहीं होती तो हमें कोई इतराज नहीं, नून लीग फिर भी इलेक्शन में जाएगी और इंशाल्लाह जीतेगी, आप कह देंगे बात? देखिए, हम तो ये मेरे कहने से क्या होगा, वो तो जो होना है वो होना है। हम तो देखें, और हम, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने दरख्वास्तें जो है वसूल कर ली हैं, हमने उसके ऊपर इंटरव्यू चल रहे हैं एज वी स्पीक। ठीक है, एक एक घंटे के ऊपर दरख्वास्तें तो आप पहले भी दे चुके हैं ना सर, दरख्वास्तें पहले भी दी थी, टिकट आप लोगों ने उस वक्त भी अनाउंस किए थे, वुमेन सीट की सारी डिटेल्स पंजाब असेंबली के पहले भी आप कर चुके हैं, तो ये कोई नया पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्शन डिले हो गए। नहीं, लेकिन हमने तो नहीं देखे ना, ये काम या तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो केयरटेकर सेटअप के पास है, और अदालतें जो है वो जाहिर है चीफ जस्टिस साहब चला रहे हैं और उम्मीद अदालत है, तो जाहिर है ये हमारे पे तो आप नहीं डाल सकते ना कि हम इलेक्शन हमने नहीं कराना। हाँ। ये तो जिन्होंने कराना है आप उनसे जाके पूछे। लेकिन आप उसके, आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में तो कल को जा सकते हैं ना, अगर इस किस्म का कोई फैसला। पहले तो पीटीआई गई थी, पीटीआई की सीरियसनेस से पता लग जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा जनाब डेट दें, डेट हमें चाहिए, हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए, इस मरतबा अगर ये होता है तो नून लीग अभी कमिटमेंट करते जनाब हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, हम तो नहीं जा रहे ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, हम ना गए सुप्रीम कोर्ट, हम क्यों जाए? नहीं, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है नहीं, अगर तो जब वो होगा तब देखेंगे ना, मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, हमारी बड़ी क्लियर डिमांड है, ठीक है, कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में यू मेड इट क्वाइट क्लियर। सेंटर मोहम्मद साहब, एक और चीज जो मेरे ख्याल में पीटीआई रिलेटेड और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो है आप लोगों के ऊपर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो तलवार लटक रही है। आज ये खबर आई कि हुमायूं मेमन ने बिल्कुल ठीक कहा कि बाकी पार्टियां जलसे करें तो ठीक, पीटीआई अगर कोई जलसा करती है तो पुलिस सीधी गोलियां चलाती है। हुमायूं मेमन ने कहा कि अपर दीर में शेर अफजल मुरव्वत के जलसे में पुलिस ने पीटीआई के कारकुनान पर सीधी गोलियां चलाई, वर्कर्स को डराया जा रहा है ताकि हमारे जलसे में कोई भी ना आए, लेकिन अवाम ये सब कुछ देख रही है और इन तमाम अथकंडों का अवाम इनसे इलेक्शन में हिसाब लेंगे। नाज़रीन, आपका इस हवाले से क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।